कुलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जाबाज कमांडो प्रदीप नैन की बहादुरी को ये देश कभी नहीं भूलेगा। हरियाणा के जाजनवाला में प्रदीप नैन के अंतिम दर्शन के लिए मानो उनका पूरा गांव उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग और आर्मी के जवान भी देखे जा सकते हैं। लेकिन इन हजारों की भीड़ में किसी ने अगर सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई तो वो है प्रदीप नैन की गर्भवती पत्नी। जब शहीद लांस नायक प्रदीप नैन की अंतिम यात्रा निकली तो प्रदीप की गर्भवती पत्नी मनीषा नैन अंतिम यात्रा के पीछे पीछे गर्भ में पल रहे अपने बच्चे को संभालते हुए साथ साथ चलती दिखाई दी। घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित शमशान तक पत्नी मनीषा नैन पैदल ही चलती रही। मनीषा का कहना है कि मैं इसीलिए नहीं रो रही हूं कि कहीं शहीद की आत्मा को ठेस न पहुंचे। इस दौरान प्रदीप अमर रहे के नारों से उनका गांव गूंजता रहा। पूरे जाजनवाल गांव में 2 दिन से किसी के घर में चूल्हा भी नहीं चढ़ा है। आसपास के गांव के हजारों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहीद प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में आर्मी के अधिकारी, पूर्व अधिकारी, जवान और पुलिस के जवान पहुंचे हुए थे। साथ ही आसपास के इलाके के लोग भी शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन की जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत हुई। उनका ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।